है ना, तो सीक्रेट वन ऑफ द माय फेवरेट, ये मेरे बहुत फेवरेट है। और आज मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला है आज आप सब लोगों से बात करने का दोस्तों। तो मैं मेरी बात शुरू करूंगा, मेरा एक स्टेटमेंट है जो मैं कई बार बोलता हूँ, तो बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, जकड़न बराबर देती है, गुलामी गुलामी है और आजादी आजादी। आजादी का जो जश्न है वो मोदी केयर ने जो शुरू किया है हिंदुस्तान में, इसी आजादी के जश्न के लिए मैंने शायद पिछले 20 साल इस इंडस्ट्री में लगा है, इसी आजादी के जश्न के लिए लगा है। और आज मुझे खुशी है इस आजादी के जश्न में हजारों हजार हिंदुस्तानी, आज जैसे इतनी बड़ी टीम आज संजय भाई की है, मुझे पता है हजारों हजार लोगों की जिंदगी हम आजादी की ओर लेकर जा रहे हैं, और ये तो अभी शुरुआत है। मैं आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ आज टीचर्स डे की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लाइन मैंने आपको बोली है, तो बेड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, आप इसका मतलब समझेंगे। हमें इन सारी बेड़ियों को तोड़ते हुए आजादी की ओर जाना है, और इसीलिए हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसका प्रोडक्ट है आजादी। वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड दैट इज आजादी। मुझे बहुत प्रेम है समीर मोदी जी से, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मेरे को बहुत प्यार मिला उनसे इस इंडस्ट्री में। आज हम आपसे हमारी स्टोरी शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं हमारी स्टोरी शेयर करूं, जिसकी वजह से ये स्टोरी बनी है, जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा, जिनकी वजह से आज हम इतनी खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं, आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो अगर हजारों लोगों को मोटिवेट कर पा रहा है, तो उसका कारण सिर्फ एक ही है, और वो है मेरे साथ में बैठी हुई एक ऐसी शख्सियत जो आपको दिख तो एक लेडी के रूप में रही है, दिख तो आपको एक एक साधारण सी हाउसवाइफ के रूप में रही है, लेकिन आप लोगों को अंदाजा नहीं है उनकी पावर क्या है, उनका टैलेंट क्या है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, 25 साल हमारी शादी को हो गए हैं, अभी 25वीं एनिवर्सरी हमने मनाई है इस लॉकडाउन में, एंड ये 25 साल हमारे लिए 25 दिन के बराबर नहीं है, हमें ऐसा लगता ही नहीं। जो जो, जो लाइफ आज हम लीड कर रहे हैं वो अनपैरेलल है, और मैं आप सबकी तालियों से स्वागत करना चाहूँगा मेरी बेटा आपका, है ना, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। और आभाजीत जो नाम आप सुनते हैं इस इंडस्ट्री में, ये नाम, इस नाम में बहुत मैजिक है, और ये नाम अभी बहुत मैजिक क्रिएट करने वाला है दोस्त, क्योंकि अभी तो हम शुरू हुए। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू संजय भाई, वंदे मातरम, गुड मोदी के मॉर्निंग सभी को। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर हस्बैंड स्टेज पे और यहाँ पर स्क्रीन पे इतनी तारीफ कर दे, तो उसी के लिए मोदी के बिजनेस बिल्ड करना वर्थ रखता है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हस्बैंड की तारीफ के शब्द सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन फील्ड है, ये हमारे एक उद्देश्य है, हमारा एक सपना है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये जॉब में या ऑफिस में कहीं होते तो वहां पर खड़े होकर मेरी तारीफ नहीं कर सकते स्टाफ के सामने या अपने सबॉर्डिनेट्स के सामने, किसी बिजनेस इंडस्ट्री में होते तो भी ये पॉसिबल नहीं था। तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ हम एक दूसरे को पूरक बनते हैं, वास्तव में जो कहते हैं ना हस्बैंड वाइफ अर्धांगिनी होती है, वाइफ और पति उसके लिए सब कुछ होता है, वो रियल इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करूं मैं, आपको लोगों को पता ही है हमारे बारे में, थोड़ा सा प्रोफाइल बता देती हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियरिंग करके मैंने जॉब नहीं किया था, क्योंकि जॉब में लगता था कि शादी के बाद में अगर ऐसा फैमिली है, बच्चे होंगे, और उसके बाद में मतलब पूरी फैमिली के साथ में अगर जॉब के साथ एक लेडी को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, ये जो भी वर्किंग वुमन है जो बिजनेस करती है अपना या जॉब करती है वो समझ सकती है। तो बस मुझे ये था कि मैं जॉब नहीं करूंगी, पर साथ में ये भी था कि केवल घर पर बैठकर एक हाउस वाइफ होकर एक डल सा जीवन वो भी नहीं जीना था हमको, तो हम ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे। और इसी में हमारा बड़ा वाला बेटा हुआ था, वो 1.5 साल का था, तब किसी ने हमको ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया था, और वो इनके बहुत खास दोस्त थे, और इन्होंने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको मेरे पास भेज दिया था कि अगर मैं किसी इंडस्ट्री के लिए कह देती तो इनको शायद 2-5-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते, क्योंकि इंजीनियरिंग किया था। तो इसने इससे बचने के लिए इनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे मेरे पास भेज दिया। पर जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया, तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझने में ये लगा कि हाँ, ये जो फ्यूचर का एक जो कहता है ट्रेंड आने वाला है, उस ट्रेंड को हमने 20 साल पहले समझा था, क्योंकि तकरीबन बात है 20 साल पहले की, और 20 साल पहले हमको समझ में आ गया था कि कॉन्सेप्ट है कि टाइम डुप्लीकेशन और मैन पावर डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो और इसीलिए मैं कहती हूँ सभी फ्रेंड्स को, हमारे जितने भी दोस्त यहाँ पर स्क्रीन पे हैं,
कि जब भी हम किसी से मोदी केयर बिजनेस की बात करें तो उसको सबसे पहले बिजनेस प्लान दिखाएं। कई बार हम बातों बातों में उससे कुछ भी बताते रहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है तू ज्वाइन कर ले और ये कर ले, पर अगर हमारे बिजनेस प्लान में जितनी ताकत है उतनी ताकत हमारे वो शब्द नहीं दे सकते उसको। तो हम सबसे पहले प्लान, क्योंकि मैंने भी प्लान देख के समझा था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, और उसके बल पे हम आज तक कभी भी वापस पीछे बैकफुट पे नहीं आए कि थोड़ा करा और कुछ चैलेंज आया और हम पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को हमने अपने दिमाग से और दिल से समझा था कि हाँ ये काम करेगा। हो सकता है हमारे लिए काम करने में इसको पता नहीं कितना समय लगे, पर ये काम जरूर करेगा, ये हमको विश्वास था। तो ऐसे ही बस हमने जब वो देखा, बिजनेस की शुरुआत हो गई और हमने इसको जब बिल्ड करना शुरू किया, तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है वो इस इंडस्ट्री में हमारे कदम रखते ही जब वो आया, तो दोनों छोटे बच्चों के साथ में हमको इस बिजनेस को आगे बिल्ड करना था। हम जब बिजनेस, हम क्या नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ पर कोई जानता नहीं था उस फेज में, जब लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना, उसके अलावा तब वो जब प्रोडक्ट आते थे वो इतने महंगे लगते थे लोगों को, क्योंकि 20 साल पहले हमारी पॉकेट छोटी हुआ करती थी। तो वो सब चैलेंजेस थे, दोनों बच्चों को साथ में मीटिंग में लेके जाना, सेमिनार अटेंड करना, पर उस सिस्टम के साथ हम लोग अटैच रहे। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि छोटे बच्चे हैं और हम कैसे करेंगे इसको, उनको साथ में मीटिंग में लेकर जाते थे। कभी अगर हमको मीटिंग में मैं अंदर कम बैठती थी और बाहर ज्यादा रुकती थी, पर फिर भी हमने ये नहीं किया कि फायदा क्या है। क्यों? क्योंकि हमको ये लगता था कि ये सीखते रहे और हम दोनों का एक प्लेटफॉर्म पे रहे, क्योंकि वो एजुकेशन जो थी वो एजुकेशन हमको आगे लेके जाने वाली थी, इसलिए हमने सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटे। और बस ऐसे सीखते गए, करते गए सीखते गए, और इस इंडस्ट्री में हम लोग इतने सक्सेसफुल बन गए। सक्सेस मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि हमने जो सोचा नहीं था, मेरा तो एक बहुत छोटा सा ड्रीम था कि मुझे इनका टाइम चाहिए था। ये RSIS की क्लासेस लिया करते थे, ये गवर्नमेंट जॉब में थे, अभी अपने बारे में बताएंगे, तो उसके बाद इनके लिए, इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं बचता था। क्यों? क्योंकि जब अगर दिन भर की इतनी फ्रस्ट्रेशन और थकान के बाद वो हस्बैंड जब घर आएगा तो हम उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये आते थे घर पे तो इनको लगता था कि चलो हमें दिन भर का थकाया हो, अब हम दोनों जने आराम से बैठकर यहाँ पे घर में बैठेंगे, और मुझे लगता था कि मैं दिन भर घर में थी तो अब दोनों ये आए हैं तो शाम को हम बाहर चलेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो दोनों के प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए थे। क्यों? अब ऐसे हमको, मुझे फुल टाइम हस्बैंड चाहिए था, मुझे लगता था कि ये जिंदगी हम बहुत दिन तक खुशी से नहीं जी पाएंगे, तो इसलिए हमको कुछ जो इस इंडस्ट्री को हमने तेजी से बिल्ड किया, क्योंकि वो ड्रीम बहुत स्ट्रांग था हमारा। तब हमारे बच्चे छोटे हैं या क्या चैलेंजेस है वो सब हमने पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी डेस्परेट नीड थी। और जो दूसरा मेरा ड्रीम था इस बिजनेस में आने का, कि मुझे प्लेन में घूमने का बहुत शौक था। तो जब शादी के टाइम मैंने इनसे पूछा था कि क्या आप मुझे कभी प्लेन में बिठाओगे, तो इन्होंने कहा था कि हाँ वो जो वायुदूत चलते हैं उसमें कभी एक बार बिठा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसी इंडस्ट्री में जहाँ हम काम कर रहे थे उसी प्लेटफॉर्म पे रहते तो शायद हमारे लिए यही होता कि 10-20 साल में हम अपनी सेविंग करते हैं और फिर उसको एक बार खर्च करके हम 2-5 लाख रुपए और बाहर कहीं विदेश यात्रा कर आते। पर फ्रेंड्स उसमें भी जो ना एक एक खर्चा करने में हमको सोचना पड़ता। तो इस इंडस्ट्री ने हमको, आज हम 75 से ज्यादा ट्रिप्स इस इंडस्ट्री में कर चुके। क्यों? क्योंकि हमने एक डिसीजन लिया, और इम्पोर्टेंट बात है कि उस डिसीजन को लेने के बाद कभी वापस पीछे मुड़ के नहीं सोचा कि पता नहीं होगा क्या। ये वो कहते हैं काश शब्द जिंदगी में जो होता है वो हमको बहुत तकलीफ देता है। अगर हमको ऐसा लगता है काश ये कर लिया होगा, काश ये हो जाता, काश ऐसा होगा, ये काश शब्द को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। अगर सिस्टम में दम है वो सबके लिए काम करता है तो हमारे लिए भी करेगा। और उसी फर्म डिसीजन के साथ हम इसको बिल्ड करते गए। हमने पूरा, हमारी जो फैमिली थी, हम पूरी फैमिली आज फुल टाइम पेरेंट्स हैं और फुल टाइम हम बच्चों के लिए, और बच्चों जो है हम सब एक साथ उस माहौल में पले कि वो पॉजिटिव सोच, वो एनवायरमेंट हम इन बच्चों को दे पाए, जिसकी वजह से आज बड़ा बेटा मेरा दिल्ली IIT में है, छोटा बेटा बॉम्बे IIT में है, उसकी ऑल इंडिया 25th रैंक आई थी। मैं फ्रेंड्स आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग जब आप फील्ड में जाते हैं तो कहते हैं कि अरे तो हम अभी तो हमको बच्चों के बारे में देखना है, अभी तो हमको ये कर लें, जो ये हमारा रहता है सोच। मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, अगर इस बिजनेस के साथ बिल्ड करते हुए हम अपने परिवार को वो संस्कार दे पाएंगे, वो सोच दे पाएंगे जो हम दुनिया में कहीं नहीं दे सकते। और ये हम जो दोनों बच्चों की सक्सेस है, इनकी मेहनत तो है, पर ये एक वो रिजल्ट है जो हमने वहाँ टीचिंग सीखी वही बच्चों ने सुनी। क्यों? क्योंकि मैं मीटिंग में इनको साथ रखती थी। हमने कभी भी बिजनेस को ऐसे बिल्ड नहीं किया कि हम बिजनेस कर रहे हैं तुम पढ़ाई करो। हमने जो काम किया चारों ने एक साथ फुल फ्लेश किया। जो काम करना है उससे मतलब ये है कि हमने अपने आप को चारों को एक सेम गोल में रखा, सेम हमारी सोच एक थी, हमारे काम करने के तरीके तब भी ये एक्टिवली कर रहे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम कभी अलग अलग ट्रैक में नहीं गए। और इसीलिए आज हम सोचते हैं कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि इतनी अच्छा प्यारा परिवार, इतनी अच्छी टीम और इस नेटवर्क इंडस्ट्री की इस सक्सेस को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, और हमारा जो स्पेशली अगर लेडीज से कहूँ, क्योंकि लेडीज क्या होती है कि इस बिजनेस में हमारा काम क्या है कि अगर हम घर में भी देखें
तो पूरे फील्ड में एक घर में अच्छा एनवायरमेंट देना एक लेडी का काम होता है। अगर और ऐसे इस परिवार में, इस बिजनेस में जो हमारी टीम आती है, इस परिवार में एक अच्छा एनवायरमेंट देना, एक आपस में बॉन्डिंग रखना, वो एक लेडी का काम होता है। तो अगर इस बिजनेस में हम ये करते गए तो ही ये इस बिजनेस इतना बड़ा बन जाएगा। तो घर में भी वो सोच, वो एनवायरमेंट हम दे पाए और हम दे सकते हैं जो इस इंडस्ट्री को बिल्ड करेगा। ऐसा कभी भी हमारे दिमाग में थॉट नहीं आनी चाहिए कि हमारी फैमिली ऐसा नहीं हो, सफर करे, हम बिजनेस में जा रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं। वो तब होगा जब हम इन सबको अलग और अपने आप को अलग करके देखेंगे, सबको साथ लेके चलिए, देखिए उसमें कितनी जीत है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस में अगर हमने तीन काम है जो हमने कर लिए तो हम बहुत बड़ी सक्सेस बना सकते हैं। और वो काम है जो मैंने किया कि विलिंग टू लर्न, विलिंग टू वर्क और विलिंग टू चेंज। ये तीन काम है हमको, जिसको हमको लगातार फॉलो करना है। भाई विलिंग टू लर्न में क्या है कि हमको सीखते रहना है, क्योंकि कोई भी काम अगर बिना सीखे करेंगे तो हम सोच सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। अगर घर में एक रोटी भी बनानी है तो उसको सीखे बिना बनाएंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नक्शे बनेंगे। तो ये बिजनेस तो हमको जो करोड़ों रुपए देने वाला है, जो हमारे परिवार की पीढ़ियों की सिक्योरिटी देने वाला है, जो हमको फ्रीडम की लाइफ देने वाला है, तो वो सब इस बिजनेस से अचीव करना है तो सीखना तो पड़ेगा। और सीखा उसके बाद हमको उसको फील्ड में करना है, क्योंकि केवल सीखते रहने से भी कुछ नहीं होगा। जब बनाएंगे तभी हमको बिजनेस को, हमको पता लगेगा क्या कमियां हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या पूरे करने हैं। तो हम सीखते गए, करते गए, और उसमें जो एक सबसे बड़ा काम हमारा रोल था वो ये था कि हमको विलिंग टू चेंज। कई चीजें होती है जो हमको इस बिजनेस के लिए छोटी छोटी अपने आप को चेंज करनी पड़ी। जैसे मैं कहती हूँ कि हमने अपना जो डेली रूटीन का टाइम टेबल था वो इस बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट किया। हमने वो नहीं किया कि जो हमको पसंद था, कि अगर हमको 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, 1 बजे लंच करेंगे, फिर शाम को गर्म रोटी खानी है, 1 बजे ये चाहिए। फ्रेंड्स, 2 साल के इस टाइम टेबल को, इस बिजनेस की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, 2 साल बाद आप जो सोचोगे और जो चाहोगे वो आपको ये इंडस्ट्री दे देगी। जब आपकी मर्जी हो तब आप उठना, जब आपकी मर्जी हो तब आप सोना। तो वो फ्रीडम चाहिए तो 2 साल अपना टाइम टेबल इस बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जो मैं कह रही हूँ विलिंग टू चेंज, बहुत सारी आते हैं, हमारे को लेट सोने की आदत है, पर अगर लोगों से बात करने का टाइम वो सुबह होता है टेलीफोन पे, तो हमने वो आदत चेंज करी। हमने वो सब चीज जो इस बिजनेस के लिए जरूरी था वो सब काम हमने प्रायोरिटी पे रखा, और 2 से 3 साल जब ये सब हमने काम किया तो वो सबसे आपके सामने है। फ्रेंड्स, तो ये सब आपके साथ भी हो सकता है। ये सब चीजें बहुत अच्छी आपका इंतजार कर रही है, बहुत अच्छी लाइफ आपका इंतजार कर रही है। और मैं तो कहूंगी कि जो छोटी छोटी चीजों को अच्छे से कर ले वो ही एक दिन बड़ी सक्सेस को पाता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम बड़ा करने के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, जबकि ये काम छोटे छोटे काम करने से, छोटी छोटी डेमो करने से, छोटी मीटिंग्स करने से, वन ऑन वन प्लान दिखाने से, हमारी लिस्ट बढ़ाने से, ये सब छोटे छोटे काम में अगर हम परफेक्ट हो गए तो ये एक दिन बहुत बहुत बड़ा हमारा बिजनेस बन जाएगा और ये बहुत बड़ी सक्सेस हमको देगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी लाइफ आप लोगों का इंतजार कर रही है, सारे एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़िए और छा जाइए, क्योंकि पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात। तो जैसे कि पूरा ज्ञान, माँ सरस्वती अपना ज्ञान बिखेर रही है, क्या बात। दोस्तों, मैं इनका पति हूँ। मेरा ये इंट्रोडक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्पत इस इंट्रोडक्शन के। आई हैव डन एमकॉम, एमए, बीबीए, एलएलबी, मैंने गवर्नमेंट जॉब किया गजेटेड अफसर का। हम आपके जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर वहां पर होते होंगे, तो मैं राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विसेज का एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहा हूँ। 15 साल मैंने नौकरी करी है, रिटायर्ड, नॉट टायर्ड, नो टेंशन फॉर द पेंशन। 2006 में मैंने इस इंडस्ट्री की वजह से मेरे प्रेस्टीजियस जॉब को रिजाइन किया। अगर मैं वो जॉब कर रहा होता तो भी इस शहर का कमिश्नर होता, और आज मैं इस शहर का कमिश्नर तो नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों पे राज जरूर करता हूँ, उनका कमिश्नर जरूर है ना। और रही बात हमारी स्टोरी की दोस्तों, तो हमारा बैकग्राउंड बहुत लोअर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड है। मेरे फादर इंजीनियर हुआ करते थे, 6 बहनें थी, एक छोटा सा मैं अकेला सिंगल भाई था। 91 में जब मैं 19-20 साल का था तो फादर एक्सपायर हो गए, और उसके बाद जिंदगी में इतने अप एंड डाउन देखे, इतने अप एंड डाउन देखे कि मैं क्या बताऊं आपको। तो उसी दौर में मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था, मैंने एमकॉम किया ये सोच के कि चलो कुछ बिजनेस करेंगे। बाद में समझ में आया यार बिजनेस में तो मामला ही बहुत खतरनाक है, जितने बिजनेस मैन थे उनके चेहरे पे सलवटें रहती है, उनके यहाँ पर 3 साल रहते हैं। कारण पता है क्या है, मैं जब नौकरी करता था तो सारे कोटा के बिजनेसमैन मेरे पास आते थे, क्योंकि ऑक्ट्रॉय एक लेवी होती है, आपको पता होगा उधर है या नहीं मुझे नहीं पता, तो मैं उसका बॉस था यहाँ का, तो सारे बिजनेसमैन मेरे पास आते थे। कोटा में कोई भी अगर एंट्री करनी होती थी किसी भी बिजनेसमैन को, तो मेरे साइन के बिना वो होती नहीं थी।
तो मैं उनके चेहरे पर हमेशा ये देखता था कि यार ये तो हमेशा टेंशन में रहता। मैं कई बार बिजनेस मैन को बोलता था, मैंने कहा यार तुम्हारे बड़े बड़े बिजनेस है, तुम हमेशा टेंशन में रहते हो, है क्या? नहीं है, मेरे को डर लगने लगा बिजनेस के नाम से। अच्छा रहा मैं तो नौकरी में, तब 91 में आ ही गया था और मैं 20 साल का था तब जब जॉब में आया दोस्तों। तो मैंने बहुत एंजॉय किया लाइफ को जॉब करते करते करते। फिर मैंने एमए किया, फिर ये सोच के किया एमए की चलो प्रोफेसर बन जाएंगे, तो बाद में समझ में आया कि प्रोफेसर की तो जिंदगी खुद की खराब है। जिनके हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने जाता था उनके घर की इकोनॉमी खराब थी। तो मैंने कहा यार ये तो वो लड़ते रहते थे आपस में, मैंने कहा यार ये क्या हमारे को जिंदगी में कुछ देंगे। फिर मैंने सोचा चलो LLB कर लेते हैं, वकील बन जाएंगे, क्योंकि तो जिंदगी में कुछ करना तो था, कुछ बड़ा करने की सोची तो थी। फादर के बाद ये तो समझ में आ गया था कि जिंदगी में आए तो कुछ करके तो जाएंगे यार, कुछ बड़ा तो करेंगे। तो फिर LLB किया, तो बाद में समझा कि वकील लोगों तो पैसे बाल सफेद होने के बाद आते। तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे तो जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, है या नहीं है? तो ऐसे करते करते दोस्तों कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था मैं। और कहते हैं ना जब आप जिंदगी में किसी चीज की तलाश में होते हैं तो तलाश आपके घर आ जाती है, है या नहीं है? तो मैं किसी चीज की तलाश में था और 91 में मेरे एक बहुत परम मित्र ने मुझे ये बिजनेस बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। और वो मेरे इतने खास दोस्त थे तो मैं उनको मना तो कर ही नहीं सकता था। और दूसरी बात ये थी कि वो मैं मना क्या करता, उनके बिल्टिया में रोज साइन करता था, मेरे रोज शाम को उनके साथ बैठ के चाय पीता था उनके उनके शोरूम के ऊपर जाके। वो कोटा के सबसे मोस्ट करोड़पति इंसान थे जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया। और उन्होंने कहा जैन साहब बहुत जोरदार बिजनेस है, फट्टे चक देंगे आप तो मेरे साथ। मैंने कहा यार तुम बिजनेस का नाम मत लो, सारे बिजनेस मैन के सलवटे पड़ी रही थी, बिजनेस मेरे से होगा नहीं। हमारे खानदान में फोर फादर्स ने किसी ने बिजनेस किया नहीं, तो मैंने कहा धंधा हमसे होगा नहीं, हम संजय जी जैसे थोड़ी थे कैसा बड़े बड़े शिपिंग कॉर्पोरेशन के फादर हमारे वो। हमने कहा यार पता नहीं बिजनेस कैसे होगा हमसे। मैंने कहा यार तुम बिजनेस की बात मत करो मेरे से फालतू की। और फिर चक्कर क्या था, मैं शाम के टाइम पे RSIS की क्लासेस पढ़ाने लगा था। इस देश में एक और बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, अगर कोई आप कोई काम आप कर नहीं पाए ना तो आप उसके टीचर बन जाओ। आप देखो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने जिंदगी में कभी पुल नहीं बनाया वो पुल बनाना सिखाते, जिन लोगों ने जिंदगी में कभी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया ना, आज जितने मोटिवेशनल स्पीकर है सारे के सारे केवल स्पीकर है, जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं उन्होंने। हिंदुस्तान में ना तो मैं क्या है कि मैं खुद RSIS को कर नहीं पाया लेकिन मैं RSIS पढ़ाने लगा, मेरे पढ़ाई आप समझो। मैं जो बात आपको कहना चाहता हूँ ना दोस्तों, हमारे समीर जी कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा करना आता हो नहीं आता हो, आपने कुछ सीखा हो नहीं सीखा हो, आप वैसा करने का नाटक भी करोगे तो एक दिन वैसा करने लग जाओगे यार, एक दिन वैसे बन जाओगे आप, है या नहीं है? तो अगर आपको डेमो करना आता है नहीं आता, आपको प्लान दिखाना आता है नहीं आता, आप PPT खोल के आप और कुछ नहीं तो लैपटॉप पे ऐसे ही करने लग जाओगे तो एक दिन सीख जाओगे। तो हमारे समीर जी बिल्कुल सही बात कहते हैं। तो ऐसे करते करते ये बिजनेस ये इंडस्ट्री हमारे घर में आ गई। और दोस्तों मैं कट शॉर्ट करूंगा क्योंकि स्टोरी पे बात मैं करूंगा तो स्टोरी तो मैं आपको एक हमारे मेरे मित्र है एक मानस पुथी एक यूट्यूबर है जिन्होंने मेरे ऊपर एक स्टोरी बनाई है, हिंदुस्तान के सारे टॉप लोगों की स्टोरी बनाई उन्होंने, उन्होंने रतन टाटा से लेके, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ बाबा जीत की स्टोरी उन्होंने कवर की है एंड उसको लाख लोगों ने देखा है, आप उसको देख सकते हैं। एंड बहुत जल्दी हमारे ऊपर एक पिक्चर भी बन रही है। तो आप सोचो एक लोअर मिडिल क्लास का कपल, एक ऐसा कपल जो अपनी जिंदगी में कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि वो 8 करोड़ के घर में रहेगा, 17 गाड़ियां बदल लेगा, सारी दुनिया देख लेगा। इस दुनिया का ऐसा कोई शहर नहीं है दोस्तों जो देखने लायक है, वो हमने देखा नहीं। हमने 53 से ज्यादा ट्रिप एमवे के साथ किए, वी बिकेम डायमंड इन 2009 विद एमवे। आपने एमवे का नाम सुना होगा, डायरेक्ट सेलिंग की मदर कंपनी है। और आज आभा जीत जो आपके सामने बैठे हैं दोस्तों, ये उसी सिस्टम का एक प्रोडक्ट है जो सिस्टम हिंदुस्तान में एमवे ने शुरू किया था। हालांकि शुरू तो मोदी केयर ने किया था लेकिन हमें पता नहीं था मोदी केयर के बारे में। और फिर हमारे अंदर एक वो ये भी था एटीट्यूड कि यार फॉरेन की कंपनी अच्छी होती है। आज आप और हम भी ये सोचते हैं हमारे बच्चे फॉरेन में जाके पढ़े, लेकिन मैं आपको बताऊं मैं हम इतने ब्लेस्ड हैं, आज मेरे दोनों बच्चे टॉपर हैं, दोनों बच्चे दुनिया के किसी भी शहर के अंदर जाके किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कुछ भी कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज उनको हाथ फैला के स्वागत करने को तैयार है, करोड़ों रुपए की उनको जो है स्कॉलरशिप देने को तैयार है। लेकिन मुझे गर्व है कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान की ग्रोथ के कुछ काम आ रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे भी आज उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं
वी आर सो ब्लेस्ड फ्रेंड्स। और ये स्टोरी जो है, स्टोरी तो स्टोरी का पार्ट तो इतना है कि जब हम 2006 में मैंने मेरे प्रेस्टीजियस जॉब से रिजाइन किया, एट दैट टाइम आई बिकम एमरल्ड विद एमबे। हमने एमबे के अंदर बहुत जबरदस्त काम किया दोस्तों, वी वर द फास्टेस्ट अचीवर इन एमबे। हमने शुरुआत से ही, क्योंकि शुरू में समझ में आ गया था कि कुछ तो करना है, और जितनी पढ़ाई की थी उससे ये समझ में आ गया था कि पढ़ने लिखने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार, करना तो कुछ पड़ेगा ही। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे नहीं, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे नहीं। और इस इंडस्ट्री में हमें ये भी समझ में आ गया था कि इस इंडस्ट्री का ए यहीं से शुरू होगा और जेड भी यहीं पर आएगा, ठीक है ना, सब यहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी पुरानी एजुकेशन, आपका पुराना एक्सपीरियंस कुछ काम आएगा नहीं। एंड थैंक गॉड हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट बने, 2006 में हम एमरल्ड बने, 2009 में हम डायमंड बने, एंड देट वॉज द प्रेस्टिजियस लेवल, देट वॉज द टॉप लेवल ऑफ द कंपनी। हमारे कई सारे सेमिनार हुए, मेरी कई सारी सीडीज रिलीज हुई, मैं हम सेलिब्रिटी बन गए, सारी दुनिया में मैं एज ए स्पीकर बुलाया जाने लगा। लेकिन मन के अंदर एक चीज हमेशा रहती थी, एक चीज ये रहती थी मन में कि यार फॉरेन की कंपनी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब डायमंड बने तो हमें ये समझ में आया कि यार हिंदुस्तानी कंपनी होना बहुत जरूरी है। एंड मुझे कई बार यूएस जाने का मौका मिला, 2009 के बाद हमने डायमंड बनने के बाद बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सेटल कर लिया। मेरी जिंदगी के सारे फाइनेंशियल गोल मैं वहाँ पूरे कर चुका था, सीरियसली बताऊँ तो आपको। सो आई वॉज नॉट हियर इन मोदी केयर फॉर द मनी। मैं जब मोदी केयर के अंदर आया तो गोल कोई और था, सिस्टम कुछ और दिमाग में चल रहा था, सोच कुछ और चल रही थी। और 2009 में जब मैं एमवे से डायमंड बनने के बाद, 2011 में मुझे एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मीटिंग थी हमारी, और ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग में मुझे ये एहसास हुआ कि यार एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए जो फ्रंट से लीड करे। तो हमने डिसीजन किया कि हम एमवे को छोड़ेंगे, और 2011 में ये भी कोई और कोई कर नहीं सकता दोस्तों, एक बनी बनाई इनकम, एक बना बनाया नेटवर्क, सब कुछ सेट था लाइफ में। लेकिन मैं कुछ ऐसा ही हूँ, मैं भी आपको कुछ टीचिंग सिखाऊंगा कि मैंने जिंदगी में क्या लर्न किया है, उसमें आपको ये बात समझ में आएगी कि ये मैंने क्यों किया। 2011 में हम एमवे से बाहर आए, उसके बाद तक हम एक फॉरेन की एक कंपनी के साथ, उसमें भी मैं डायमंड बना, उसके साथ मैं अमेरिका गया, हमने स्टडीज किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली। देखो मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, हमारे को कोई और दूसरा व्यक्ति मोटिवेट कर नहीं सकता, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, नोबडी कैन मोटिवेट अस, डिटेन एंड आवाज इसको तो कोई नहीं कर सकता, सीरियसली बता रहा हूँ आपको। हमारा मोटिवेशन हमारा खुद का है, और हमने वो खुद हर चीज को स्टडी करके अचीव किया। हम जब अमेरिका गए, मुझे वहां समझ में आया कि दुनिया के अंदर जितने बड़े लीडर हैं, जो इस इंडस्ट्री के टॉप अर्नर हैं, वो उस कंपनी के लोग हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं जिस कंट्री से वो कंपनी ओरिजिनेटेड है। ये मुझे 2013 में समझ में आया अमेरिका में एक मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग को आपको बताओ, उस मीटिंग को एड्रेस किसने किया था, डोनाल्ड ट्रम्प ने। और देट वॉज द मीटिंग जिसके अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी से लेके बड़े बड़े दुनिया के ऑथर्स थे, डायरेक्ट सेलिंग के टॉप दिग्गज थे, ऐसे ऐसे नाम डायरेक्ट सेलिंग के जिनको अगर मैं आपको बताता हूँ तो जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आज मैं, क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है, संजय भाई ने मेरे को बोला स्टोरी कम शेयर करनी है क्योंकि स्टोरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। सवाल ये है हम जिंदगी में पा गए, और मेरी जिंदगी का जो गोल था दोस्तों वो ये था कि मैं 45 साल के बाद जिंदगी में पैसे के लिए काम नहीं करूँ। थैंक गॉड वो गोल मेरा 38 साल की उम्र में पूरा हो गया। फिर मुझे लगा कि यार टाइम आया है कुछ कर गुजरने का, कुछ ऐसा करने का जिसमें मैं प्राउड फील कर सकूं, मैं गर्व कर सकूं कि यार हमने कोई डिसीजन किया। 2013 में जब मैं अमेरिका से वापस आया, मैंने सर्च किया इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन सी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही है, इर्सा के बारे में समझा, इर्सा की दो तीन मीटिंग्स मैंने अटेंड करी, इर्सा की कई कंपनियों को मैंने स्टडी किया, और फिर आभा ने और मैंने डिसाइड किया कि हम एक बार मोदी केयर को सीरियसली देखेंगे। नोबडी हैज इंट्रोड्यूस्ड इन मोदी केयर, हमारे को मोदी केयर में किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। 2013 में हम मोदी केयर के ऑफिस गए, मैं मिस्टर मोदी से मिला, समीर जी से, एंड मुझे लगा कि आदमी तो अनप्रोफेशनल है लेकिन नीयत साफ है। मैं आपको ये ओपन बोल रहा हूँ, फेसबुक लाइव जा रहा है, मुझे पता है
लेकिन उनकी जो नियत है वो मेरे को पहले दिन से समझ में आ रही थी यार, ये इंसान बहुत अच्छे हैं। हालांकि जितने प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज काम करती हैं उस तरीके से काम हो नहीं रहा था, और मैंने 2013 में आभानेर मैंने जॉइंटली डिसीजन किया कि हम मोदी केयर करेंगे, और मैंने मोदी केयर के अंदर आईडी लगाई सीधी कंपनी के साथ में। 47 दिन के अंदर इनका जो पिछला प्लान था टॉप टाइटल आरसीडी वो हमने अचीव किया, और मेरा पहले महीने का मोदी केयर का चेक था 2,29,000। अब मैं इससे ज्यादा किसी को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि नए लोगों को लगता है कि यार हमारा तो 100-200 रुपए का चेक आ रहा है, इनका 2,29,000 का कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं हमारा इसलिए आ गया क्योंकि हम एमवे के डायमंड थे, नेटवर्क इंडस्ट्री को अच्छे से समझते थे और हजारों लोग हमारे को पहले से ही फॉलो करते थे। तो 2013 में हमने मोदी केयर में एंट्री की, लेकिन सीरियसली बताऊं दोस्तों उसके बाद मुझे समझ में आया मोदी केयर में कुछ चीजें गड़बड़ है, बहुत सारी चीजें सुधारने की जरूरत है। लीडरशिप से मैं किसी से मिला नहीं था, मैं मोदी केयर की किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं गया। मुझे आज भी याद है उस समय कलकत्ता में एक इवेंट हुआ था एंड समीर जी ने मुझे इनवाइट किया कि यू कम टू कोलकाता। मैंने कहा नो सर आई विल नॉट कम, क्योंकि अभी मैं मोदी केयर में पूरी तरह से इंक्लाइन नहीं हूँ। आई एम जस्ट लर्निंग इन मोदी केयर व्हाट यू आर डूइंग, मुझे आज भी याद है। उसके बाद 2013 में हम आरसीडी बन गए, मैंने मोदी केयर का दुबई का ट्रिप जो उस समय का कोई ट्रिप था वो मैंने अचीव किया, लेकिन हमने कुछ किया नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस समय मिली लंग सीईओ होते थे एंड कई सारी चीजें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। और मुझे ये पता लगा कि समीर जी कंपनी को संभालते नहीं है, समीर जी एमडी जरूर है, मालिक जरूर है। तो दोस्तों 2013 से 2015 तक हमने मोदी केयर में कुछ नहीं किया, मैं रिटायर्ड था, टायर्ड नहीं था, पेंशन की कोई टेंशन नहीं थी, पैसा जिंदगी में बना चुका था। इसलिए हम आराम से 2 साल हमने हमारे आध्यात्मिक गोल की ओर काम करना शुरू किया एंड 2015 तक हमने मोदी केयर में कुछ नहीं किया। हमारी मोदी केयर की शुरुआत हुई 2016 में, 2015 में समीर जी ने प्लान चेंज किया, हमारे को दिल्ली बुलाया और उस मीटिंग के अंदर मैंने कई सारे लीडर्स को पहली बार देखा एंड वहां पर मैंने समीर जी ने जो नया प्लान लॉन्च किया था उसके बारे में उन्होंने मेरे को बताया। फिर भी मेरा फेथ लेवल उस लेवल पर एंड थैंक गॉड हमने वो सुरेखा जी का डेमो देखा था दुबई में, दुबई में उन्होंने साबुन का डेमो दिखाया था, मैं दुबई की मीटिंग में भी स्टेज पे नहीं गया था है ना, और मैंने वो साबुन का डेमो देख मुझे लगा अरे लेडी ठीक है और लेडी वैसे भी ट्रस्ट वर्दी होती है, तो मैंने कहा चलो इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड 2015 में सुरेखा जी को हमने हमारी अपलाइन बनाया, उसके बाद हमने मोदी केयर में काम करना शुरू किया, लेकिन तब भी कुछ मजा आ नहीं रहा था, बहुत सारी चीजें बदल रही थी, चीजें धीरे धीरे करके ठीक हो रही थी। फिर 2016 में एक दिन समीर जी का फोन आया और मुझसे कहते हैं मैं कोटा आ रहा हूँ। मैं आई वॉज शॉक्ड, मैंने कहा यार भैया आप कोटा आओगे तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ मीटिंग वीटिंग करानी पड़ेगी। कहते हैं मीटिंग वीटिंग तुम कराओ, चाय मत कराओ, मैं चाय पीने आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार कुछ करते हैं। तो हमने 2016 में 15 मई 2016 की बात है दोस्तों, हमने कोटा के अंदर पहला इवेंट किया एंड जब समीर जी आए तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई। मैंने कहा चलो यार कुछ करते हैं एंड वो जो इवेंट था उस इवेंट में तकरीबन 1300 लोगों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, कोटा में पहला इवेंट था वो, और हमने मोदी केयर की शुरुआत की कोटा में जब समीर जी आए। समीर जी में एक मैजिक है दोस्तों, और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आज अगर ये आबादी तो आपके सामने बैठे हैं तो उसके सिर्फ दो ही रीजन है, एक तो मिस्टर समीर मोदी और दूसरी डॉक्टर मिसेस सुरेखा भारती। वाह क्या बात है ना। तो मैं आपको बताऊं गोल हम हमारी जिंदगी में पूरे कर चुके थे। समीर जी जब आपने कई बार उनके मुझे सुना होगा, वो जब मेरे घर आए उन्होंने देखा यार तुम इतने बड़े घर में रहते हो, तुमने जगह जगह पे एमवे के वो लगा रखे हैं, सारे गोल लगा रखे हैं, आपने कई बार उनको मीटिंग में सुना होगा ये कहते हुए हमारे बारे में। और मैं आई वॉज शॉक, मैं क्या बोलूँ उनको। मैंने कहा यार, मैंने उनको भैया को एक ही बात बोली, मैंने कहा भैया टाइम लगेगा लेकिन हम मोदी केयर में कुछ बड़े गोल के साथ आए हैं, कुछ करके जरूर दिखाएंगे। एंड दोस्तों ऊपर वाले ने हमारा साथ पकड़ा, संजय भाई जैसे अच्छे लीडर्स का हमें साथ मिला, हमारे प्रमोद जी, हमारे वीवी पांडे जी, हमारे फिलिप नीना सिंह जी, कितने लीडर्स की मैं बात करूं। मैं सोचता था यार हिंदुस्तान में कौन सी लीडरशिप होगी, क्योंकि मैंने जिन लीडरशिप के साथ काम किया था दोस्तों वो इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम है, डेक्स्टर येगर, बिल ब्रिट, वॉरेन वुडवर्ड, ये वो नाम है दोस्तों इस इंडस्ट्री के, रैंडी होगन, जिनके नाम अगर आप सुनेंगे इंटरनेट पर लिखेंगे तो आपकी जमीन खिसक जाएगी। They all are the millionaires and millionaires. ये वो लोग हैं जिनके खुद के चार चार प्लेन हैं, जिनके खुद के बड़े बड़े, और ये कुछ तो इसमें से ऐसे लोग हैं जो व्हाइट हाउस के फर्स्ट इनवाइटी हैं।
आप समझ गए ना व्हाइट हाउस के फर्स्ट इनवाइटी का मतलब? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर अगर चार जनों का भी डिनर होगा तो जिस पहले व्यक्ति को बुलाया जाएगा वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टॉप लीडर होगा और वो मेरी एमबीए में अप्लाई होता था। सो आई विजिटेड देयर हाउसेस, मैंने वो विजन देखा था, मुझे पता था इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है एंड मैं इंतजार कर रहा था कि कोई इंडियन कंपनी लीड करे और सारी दुनिया में जाने को तैयार हो। एंड दोस्तों मैं आज प्राउड के साथ ये बात कह सकता हूँ, समीर जी ने उस सपने को अभी पिछली मीटिंग में पूरा कर दिया जब लंदन लॉन्चिंग की बात की। एंड वी आर वेरी मच एक्साइटेड जब कि अब हम सारी दुनिया में जाके सिखाएंगे कि पैसा कैसे बनाते हैं। क्या बात, ये है प्राउड की बात एक इंडियन होने की, ये है प्राउड की बात कि जिनने हमारे ऊपर 300 साल राज किया अब टाइम आया है कि हम उन पे राज करें। वाह, है ना। तो दोस्तों आप जिस इंडस्ट्री के अंदर है ना, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ इस इंडस्ट्री की, क्योंकि मैं हमेशा तीन चीजें सिखाता हूँ इस इंडस्ट्री में लोगों को, नजर, खबर और सबर। ये तीन चीजें चाहिए आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए दोस्तों, जो हमने सीखी है। मैं भी आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या सीखा, लेकिन ये तीन चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ। नजर का मतलब क्या है? नजर का मतलब है विजन, आपकी दूरदृष्टि। हेलेन किलर ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कई सालों पहले, अगर आपके पास दृष्टि है और दूरदृष्टि नहीं है तो दृष्टिहीन होना बेहतर है, क्योंकि वो दृष्टिहीन थी, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी। तो आप समझो दोस्तों क्या विजन है। और आज इस पेंडेमिक के टाइम पर सारी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आज जब वर्ल्ड की विकसित कंट्रियों के 40% जीडीपी गिर चुके हैं, हिंदुस्तान का 24% जीडीपी गिर चुका है और 40 करोड़ लोग क्राइसिस में, 10 करोड़ लोगों के जॉब जा चुके हैं, और असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो गिनती भी नहीं है उन लोगों की, तो कोई गिनती नहीं है जो भाइयां आपके और हमारे घर पे काम करती थी, जो कुछ लोग आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर चाट पकौड़ी के ठेले लगाते थे या गली गलियों के अंदर जो काम करते थे, उनकी तो गिनती भी नहीं है इसमें। सोचो इस पेंडेमिक के टाइम पर हम 200 करोड़ का महीने का बिजनेस कर रहे हैं। इस पेंडेमिक के टाइम पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया को लीड कर रही है, 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, हिंदुस्तान 17,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों यही टाइम है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, संजय भाई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज जिन बिजनेसमैन के नाम आप और हम लेते हैं ना दोस्तों, जितने भी लोग हम जानते हैं, मैं सबकी तो बात नहीं करता क्योंकि मैं परसेंटेज की अगर बात करूंगा तो कोई मेरे पे क्लेम ठोक देगा, फेसबुक लाइव चल रहा है, लेकिन जितने बिजनेसमैन है ना हिंदुस्तान के जिनको हम बिजनेसमैन समझते हैं, सही मायने में तो वो गवर्नमेंट का पैसा खा के बिजनेस बनाते हैं। आप उठाकर देख लो, आपको पता है अभी हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करने वाला है, 40 हजार करोड़ से लेकर 13,000 करोड़ के लोन तक के लोग जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां सरकारी पैसे से बनाई है, उन लोन को जीरो करने वाले, माफ करने वाले। ऑलरेडी 3 बारी कर चुकी सरकार, आपको हमारे को पता है हिंदुस्तान के कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन करोड़ों रुपए का बैंकों का पैसा डकार के बाहर जा चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली अब तक हमने उनको रिकॉग्नाइज किया है। अनफॉर्चुनेटली 15 अगस्त 26 जनवरी को उन्हीं लोगों को तमगे दिए गए सरकार के द्वारा, लेकिन दोस्तों अब टाइम आया है, अब टाइम आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, अब टाइम आया आपका हमारा, क्योंकि आप लोगों को पता लग गया 2006 से आभा सर्विस टैक्स पे करती है, क्योंकि ये बिजनेस आभा के नाम से है। वी आर पेइंग सर्विस टैक्स फ्रॉम 2006, हमारे को हम हाईएस्ट सर्विस टैक्स पे रहे आभा कोटा की, और आज जब हम मोदी केयर में आप जीएसटी हो गया है, हम जीएसटी में उससे ज्यादा पे कर रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी इनकम नंबर एक में है, नंबर दो का कुछ है ही नहीं, और हम किसी बैंकों का पैसा नहीं डकारते, हम किस देश की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट, समझ रहे हैं आप। सलूट करिए अपने आप को, अपने आप को शाबाशी दीजिए, है ना, कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी ऑलरेडी मोदी केयर हो चुकी है। क्या बात है आप। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को, संजय भाई को और हिंदुस्तान के उन सारे बिजनेसमैनों को जो बैंकों का पैसा डकार के ये समझ रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया।
अभी हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या कर सकती है, समझ रहे हैं? तो दोस्तों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सारा काम आप लोगों के बिना हो नहीं सकता, आप लोगों के साथ के बिना हो नहीं सकता, संजय भाई जैसे लीडर्स के बिना नहीं हो सकता। हिंदुस्तान ने अभी करवट भी नहीं ली है, अभी करवट भी नहीं ली है दोस्तों, और अब हम जा रहे सारी दुनिया में, अब हम बना रहे टीम ग्लोबल, वो लीडर्स की टीम जो हिंदुस्तान के अंदर स्मैक मेंबर होंगे, जो 1 करोड़ आजादी क्लब में होंगे, जो सारी दुनिया के अंदर जाकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। यस सर। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी 2-3 दिन पहले मेरी मेरी एक्स मेरे एमबे के लीडर एमबे के अपलाइन से बात हो रही थी, वो IITian है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में हमारे को घूंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज भी मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जितेंद्र नाभा जी आज इस लेवल के ऊपर है इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। उनसे मेरी बात हो रही थी 2 दिन पहले, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अब करवट बदलना शुरू कर दिया, जिस विजन के लिए, जिसकी वजह से मैंने 2011 में अपनी सारी इनकम जीरो करके जीरो से वापस इस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट किया, अब उसको पिकअप करने का टाइम आया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, और अब मैं आपको एक PPT दिखाने वाला हूं कि हम लोगों ने क्या सीखा। नजर, खबर और सबर, ये 3 चीजें चाहिए इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। विजन बहुत स्ट्रांग है, इंडिया इज गोइंग टू लीड द एंटायर वर्ल्ड इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं आज आपको कह रहा हूं, हजारों हजार कंपनियां हिंदुस्तान में आ रही हैं, अभी डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो गया है, अभी हम सारी दुनिया जाने वाले हैं, तो विजन बहुत स्ट्रांग है। इट इज नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज अ लॉन्ग टर्म, इट विल नॉट हैपन इन 1 डे, इट विल हैपन इन लॉन्ग टर्म। ये छोटे गोल का बिजनेस नहीं है, बड़े गोल का बिजनेस है। तो क्या चाहिए? नजर चाहिए, बड़ा विजन चाहिए, नॉलेज चाहिए, खबर, नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए बनाया है क्या, SPBM, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर। मैं पहले दिन से जब से मोदी केयर के अंदर आया हूं, मेरा एक इनपुट था, हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, एंड आई एम सो थैंकफुल टू एंटायर मैनेजमेंट, नाउ दैट सिस्टम इज ऑन बोर्ड। और मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं दोस्तों, मेरा 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अनुभव है, और सिर्फ इंडिया का अनुभव नहीं है, ग्लोबल अनुभव है। जितने बड़ी कंपनीज के CEOs के साथ में बैठा हूं, उतने CEOs के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। मैं ये गर्व से नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस जिंदगी में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने जो कुछ सीखा है, मैंने SPBM जैसा सिस्टम नहीं देखा, एंड जो काम SPBM के थ्रू हो रहा है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ SPBM को पकड़ लेना है, सिर्फ सिस्टम को पकड़ लेना है। आप सिस्टम को पकड़ेंगे, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो नॉलेज लेती रहनी है, किससे? SPBM से, आपकी अपलाइन से, और आपकी अपलाइन तो कमाल है, कमाल अपलाइन है आपकी। मैं आपको कुछ लीडर से मिला था, मैं चंचल दास से मिला था, और मैं इसके पहले जब कलकत्ता आया था, आई वाज इन ट्रांजिट, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को याद होगा, जब मैं पहली बार आया था, है ना, पूनम जी थी शायद उस मीटिंग में, पूनम जी उस मीटिंग के अंदर थी, कई सारे लीडर्स से मैं पहली बार मिला था कोलकाता के, एंड वो मेरी पहली मीटिंग थी कलकत्ता के लिए, और आज मैं दूसरी बार आप लोगों से मिल रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, नॉलेज लेते रहिए, और वो उसके लिए सुरेखा जी से बढ़िया कोई टीचर हो नहीं सकता, वो आपको रेगुलर सिखा रही है, संजय जी आपके साथ है, हमारे एक और ग्रेट लीडर जिनका नाम लिए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, फिलिप एंड नीना सिंह, वो भी आपके अपलाइन है, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, तो आप लोगों ने उनसे नॉलेज लेती रहनी है। और तीसरी चीज क्या है, सबर, पेशेंस रखना है, इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है दोस्तों, ये कुछ और है, और मैं आज आपको साबित कर दूंगा कि ये कुछ और है, और जो और है ना वो बहुत बड़ा है पैसे से, है ना। मैंने तो पहली लाइन बोली ना, सोने की बेड़ी, तो सोने की बेड़ी पड़ेगी भी सही और सोने की बेड़ी टूटेगी भी सही, आजादी तब मिलेगी। तो दोस्तों मैं PPT की ओर जाऊं, मैं चाहूंगा आभा और कुछ बात अगर आभा को करनी है वो जरूर से आप लोगों से करें। बस मैं तो इस बिजनेस की जब इतनी अच्छी बातें होती है कि इस बिजनेस ने पता नहीं इतनी सारी चीजें दी है कि हम शब्दों में कह सकते हैं। और अगर हम हमारी मैं मेरी पर्सनली अगर हम लोग अपनी बात करें तो जो एक चीज है कि ये बिजनेस सच्चाई और ईमानदारी का काम है। जो कहते हैं ना कि बिजनेस में जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बरकत है कि अब दुनिया में हर फील्ड में आदमी काम तो कर रहा है पर इस बिजनेस में वो बरकत मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झूठ
और कुछ ऐसी चीजें चलती नहीं है करेंगे भी तो ये तो परमानेंट बिजनेस है। पता है ना कि हम थोड़े समय के लिए कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं कोई चीज, पर जब ये बिजनेस पीढ़ियों का और सालों का है तो गड़बड़ ही चलती है। तो उस पुण्य पाप की जो कहते हैं ना यहाँ पर इस जमाने में जो करेंसी चलती है वो तो चलती है ये रुपए पैसे, पर जब हम ऊपर जाएंगे तब जो करेंसी चलेगी वो चलेगी पुण्य पाप की। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी देन है कि इस बिजनेस में हम वो करेंसी भी कमाते हैं और ये करेंसी तो अपने आप पीछे पीछे आती है। तो जब सच्चाई और ईमानदारी से काम होता है तो जैसा भी इन्होंने बताया था कि जो हमारे स्पिरिचुअल गोल शुरू हुए थे जब इस इंडस्ट्री को के बाद में हम जब डायमंड बनने के बाद में हमने सोचा कि हमको ये भी सब चीजें सोचनी है, तब इस इंडस्ट्री में आज हम सुबह 2 घंटे मंदिर में टाइम देते हैं, शाम को 2 घंटे हम लोग मंदिर में टाइम देते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं ना मंदिर पे भी मन तब लगता है जब आपके अंदर शांति हो, पीस ऑफ माइंड हो, अगर लोगों की इतनी दुआएं हो वो सब चीजें काम करती है। तो फ्रेंड्स ये चीज है जो इस इंडस्ट्री के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कहीं और हम पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल पीस है। मंदिर में मन तब लगता है जब हमको ये चिंता नहीं हो कि इस महीने बच्चों की स्कूल की कॉलेज की फीस कैसे जाएगी, इस महीने हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, या कोई ऐसा जिम्मेदारी आ गई तो वो कैसे पूरी होगी। तो वो सब इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं और पा सकते हैं। चलिए टाइम बहुत कम है, हम लोग फिर और कभी बात करेंगे डिटेल्स में। संजय भाई कितना टाइम है मेरे पास यार, ये तो बता दो, आपने बताया नहीं। और कितना टाइम है मेरे को बता दो जरा, मैं पीपीटी से बैठेंगे तो जाएंगे सो जाएंगे। पक्का वादा है, पक्का। तो दोस्तों शुरू करते हैं, जो हमने इस इंडस्ट्री के अंदर सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड ये लर्निंग ऑफ द टाइम्स है, हमारे 20 साल का जो अनुभव है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगा। ये मैंने इसके एक पीपीटी बना लिया संजय भाई, मैंने कहा सब लोग पीपीटी कर रहे हैं मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो आप लोगों की प्रेरणा से हमने बना ली है एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो हमने समय के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर सीखा, दोस्तों मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज जो हमने सीखी इस इंडस्ट्री में 20 साल के अंदर वो ये है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग दैट हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। जिंदगी में जो भी होता है ना, आपके बिजनेस के अंदर जो भी हो रहा है ना, आप ये समझ लो अच्छे के लिए होता है। सत्य की एक प्रॉब्लम है, सच्चाई जो होती है ना उसकी एक प्रॉब्लम है। सच्चाई जो है वो सच्चाई का जो मित्र है ना वो समय होता है, टाइम के साथ सच्चाई का पता लगता है। तो आज अगर मान लो कोरोना काल भी है ना, तो आप ये मत समझिए गलत हो रहा है, ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला है दुनिया का, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होने वाला है। 2.5 लाख लोग वैसे भी रोज मरते हैं, आपको पता है दुनिया में 2.5 लाख लोग रात को सोएंगे कल सवेरे नहीं उठेंगे, ये वैसे भी एक दुनिया का आंकड़ा है। तो ये इससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। अगर आपके बिजनेस में कोई आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो कोई बहुत अच्छा, कोई प्रोडक्ट ले रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं ले रहा है तो बहुत अच्छा, आपका बिजनेस पहले छूट गया तो बहुत अच्छा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और ये आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा। मुझे आज भी याद है एक इंसिडेंट, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत में काम करता था, हम एक व्यक्ति को प्रोटीन पाउडर बेचने के लिए गए। एमए ने प्रोटीन पाउडर लॉन्च किया था, 1600 रुपए का प्रोटीन पाउडर था, 2002 की बात है। सोचो आप, और हम किसी को प्रोटीन में, बहुत मेरे बहुत अजीज मित्र जो करोड़पति आदमी कोटा के, उनको प्रोटीन पाउडर देने के लिए गए और आपको ताजुब होगा उन्होंने मना कर दिया। हमें किसको मना कर दिया? रेवेन्यू अफसर को मना कर दिया, मेरे साथ कोटा का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था उसको ही मना कर दिया। नहीं नहीं यार ये बहुत महंगा, हम नहीं लेंगे। हमारे को इतना फ्रस्ट्रेशन आया, हमें लगा यार ये तो मामला गड़बड़ है यार, ये कैसे चलेगा बिजनेस। मैं आपको बताऊं, हमें बाद में एहसास हुआ कि जो होता अच्छे के लिए होता। पता है क्या होता? 3 दिन बाद उस व्यक्ति की डेथ हो गई और अखबार में हमने पढ़ा कि ही नो मोर। मैंने सोचा, मैंने कहा यार अच्छा हुआ इसने प्रोटीन पाउडर नहीं खरीदा, पता लगता साला इसने लिया और कल अखबार में आ जाती चक्कर पड़ जाता हमारे। तो होता है 2011 में जब मैंने एमवे छोड़ा तो मेरे को कई लोगों ने बोला तुमने क्या कर दिया। तो एक बार तो मुझे भी लगा कि यार गलती हो गई, क्योंकि एमवे से बढ़िया कोई है नहीं। और मैं हिंदुस्तान की जब कंपनियों को देख रहा था तो मैंने कहा यार बहुत तकलीफ का मामला है, अभी उस लेवल पर आने में लोगों को टाइम लगेगा उस लेवल की कंपनी बनने में। तो मुझे लगा यार पता नहीं, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं मोदी केयर में आया, उस समय पर आया, उस समय मैंने मोदी केयर पेंशन बिल्ड नहीं किया, अच्छा हुआ। 2016 में जब समीप किया है तो मैंने मोदी केयर को वापस चेकअप किया, अच्छा हुआ। और आज दोस्तों टीम में 12 GBD हो गए हैं, बहुत जबरदस्त बिजनेस हो रहा है, हर महीने कोई ना कोई नया पिन अच्छी होता है। तो दोस्तों रिमेम्बर, जिंदगी में जो होता है अच्छे के। मेरे पास स्टोरी सुनाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता,
आपने सुनी होगी वो राजा ने राजा का ऊंटा कट गया था वो स्टोरी, कई बार आपने लीडर्स की मुझे सुनी होगी। तो दोस्तों पहली लर्निंग ये है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए नेवर रिग्रेट, एंजॉय योर एवरीडे। सेकंड चीज, जानकारी से नहीं जानने से काम होगा। हम चक्कर क्या होता है, हम नॉलेज के भंडार हो जाते हैं इस बिजनेस में। मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, 99% लोग तो PhD हैं, जिन्होंने सब कुछ समझ लिया इस इंडस्ट्री का और सब जानते हैं। हाँ जी, नेटवर्क मार्केटिंग, वी नो एवरीथिंग। अभी एक बात समझो दोस्तों, नॉलेज से कुछ नहीं होता, नोइंग से सब कुछ होता है। नोइंग का मतलब जानते हैं आप, मतलब आपको करना पड़ेगा, जानने से होगा। आपने वो कहानी सुनी होगी जेम्स वॉट की, जिसने बाप का आविष्कार किया। पहली बार जब उस अपने पिताजी से उसने पूछा था ना, उसके पिताजी ने भी कह दिया था कि बगुनिये का ढक्कन इसलिए उठ रहा है क्योंकि बाप है। तो बाप तो वो भी जानते थे, लेकिन जेम्स वॉट के दिमाग का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा यार बाप में ऐसी कौन सी ताकत है, वो लगा रहा 20-25 साल बाद उसने बाप का इंजन बना दिया। तो जानकारी तो पिताजी को भी थी, तो बाप काम करती है, पर जानकारी से क्या हुआ, जिसने जानने की कोशिश की उसका काम हो गया। तो जो भाई साहब मोदी केयर में जो आपने हाथ काले पीले करोगे ना, डेमो दिखाओगे, काम उससे होगा। और एक बात समझो, योर ट्रुथ इज योर ट्रुथ, योर ट्रुथ कैन नॉट बिकम द माई ट्रुथ, योर ट्रुथ कैन नॉट बिकम द एनीबडीज ट्रुथ। इवन और कोई छोड़ो, आप भगवान महावीर का सत्य है, या जीसस का सत्य है, या बुद्धा का सत्य है, या भगवान राम का सत्य है, जिसको भी आप मानते हैं, काली माता का सच आपके लिए कभी भी सच नहीं हो सकता, जब तक कि आप उसको एक्सपीरियंस ना करें। समझ रहे हैं आप? तो नोइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो आप करिए, सीखिए, सीखिए, करिए, करिए, सीखिए इस इंडस्ट्री में, तभी आप बड़े बनेंगे। तो जानकारी से नहीं, जानने से काम होगा दोस्तों। तीसरी लर्निंग जो हमने सीखी, वही बोलो जो आप चाहते हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में। आपको पता है, हिंदुस्तान का एक आम आदमी, जब तक कोई बच्चा 18 साल का होता है, तो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, जाने कितने करोड़ों बार वो जिंदगी में ना सुन चुका होता है। क्योंकि हम सवेरे से रात तक यही बोलते हैं, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। स्कूल में जाते हैं तो मास्टर कहता है तू गधा है, मुर्गा बन जा। बचपन से हमने ना 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 सुनिया। एक लर्निंग जो हमने इस इंडस्ट्री के अंदर सीखी वो ये है कि आप जो चाहते हो वही बोलो। आज के बाद आपके मुंह से शब्द वही निकलने चाहिए जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, आप अपने आप को बोलिए आई एम ए जीबीडी, आई एम ए मिलियनर। जीबीडी का चश्मा बोलती है ना सुरेखा दीदी, वो जीबीडी का चश्मा लगा लो। या नहीं है? वही बोलो जो आप चाहते हो, जो आप नहीं चाहते। स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। देन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, संजय भाई की परमिशन से बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैंने यहां पर सीखा है, सपना एक मिथक है, ड्रीम इज अ फैंटेसी, ड्रीम से कुछ नहीं होता। आपको लगेगा मैं क्या लाइन बोल रहा हूं, लेकिन ये सच है। सपना जब तक गोल में कन्वर्ट नहीं होना, तब तक कुछ नहीं होता। सपने के आगे डेट डलना जरूरी है भाई साहब। सपने तो बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारे देखे हैं। अगर आपके हमारे सारे सपने पूरे हो गए थे ना, तो आपके हमारी दो दो चार चार बीवियां होती अभी। आप सपने तो हमने बचपन से कितनी सारी लेट साथ में देखे है या नहीं है? सोच के देखो आप, हम बचपन में हम छोटे बच्चे जब कहता क्या बनेगा, वो कहता डॉक्टर बनूंगा, वो कहता इंजीनियर बनूंगा। फिर धीरे 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 उसके सब सपने बदल जाते, छोटा होता है तो उसके सपने को। तो सपने जो होते हैं ना, सपने तो एक सोच है यार, दिमाग में आती है, काम होता है आपके लक्ष्य बनाने से। जब तक आप अपने सपने को लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करोगे, गोल नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और सपने जो शब्द है ना, ये फॉरेनर्स का दिया हुआ है। हमारे सनातन धर्म में लक्ष्य है, चाहे आप गीता उठा लो, चाहे आप पुराने सारे शास्त्र उठा लो, चाहे आप समय सार उठा लो, चाहे आप वेद उठा लो, चाहे आप पुराण उठा लो, वहां पे आपको लक्ष्य मिलेगा, सपने नहीं मिलेंगे। तो ड्रीम इज ए फैंटेसी, ड्रीम तो रोज आते हैं यार। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मेरे बगल वाले के पास अगर कोई बड़ी गाड़ी है तो मेरा सपना बन जाएगा वो वैसी गाड़ी खरीदने का। अगर आपके तो बगल वाले के पास चार भैंसे हैं ना, तो आपका सपना बनेगा मैं 6 भैंसे खरीद, है या नहीं है? इट इज नॉट योर गोल। ऐसा गोल बनाइए, और इस इंडस्ट्री में आपको एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म गोल फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। तो मेरा गोल था कि मैं 45 साल पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों,
कि जब आप सो के थक जाए ना तब आप उठ जाए, और जब आप उठ के थक जाए तो सो जाए, इसको बोलते हैं फ्रीडम। समझ रहे हैं आप? तो सपना एक मिथक है, गोल बनाइए अपने अपलाइन के साथ, काउंसलिंग करिए और हर महीने का गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। देन स्थितियां कैसी होंगी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उन्हें लेंगे कैसे ये हमेशा आपके हाथ में। अब कोरोना आ गया, आप और हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ क्या? डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे, WHO कुछ नहीं कर पा रहा, सारी दुनिया कुछ नहीं कर पा रही, आप और हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सोच को सही रख सकते हैं। तो परिस्थितियां, परिस्थितियों का आप परिस्थिति शब्द को पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है पर स्थितियां, ये पर की स्थिति है या आपकी स्थिति नहीं है, समझे आप? तो परिस्थितियों से मत घबराइए, आपके अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट में आप किस लेवल पर हैं, प्रेजेंट में आपको कितना पैसा है, प्रेजेंट में आप क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे, परिस्थितियों के चक्कर में मत पड़िए। आप सिर्फ जो अपनी सोच है उसको सही रखिए, आपको जो करना वो ये है कि आप उनको कैसे लेंगे। अगर आपके अभी अभी आप घर के बाहर निकलने वाले हैं और तेज बारिश आ गई, एक आदमी तो ये होगा जो ये बोलेगा यार बारिश आ गई, मर्जी है जब आ जाती है, प्रॉब्लम है, कपड़े सुखाए थे, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ये भीग गया, वो पोछता ही रहेगा सारी जिंदगी। और दूसरा व्यक्ति क्या होता है, वो छाता निकालता है बाहर निकल जाता है, या नहीं है? क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए, परिस्थितियों के जंजाल में मत पड़िए, जो आपको करना है उस गोल के ऊपर काम करिए। ठीक है दोस्तों, एक लर्निंग जो हमने सीखी, यदि आप जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप खतरे में, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क यू आर ऑन रिस्क। जिंदगी में अगर जिंदगी में आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी पड़ेगी। अभी हमारे धोनी जी का स्टेटमेंट आया था, अभी उनके ऊपर कई सारे हमारे उसी मानस पुत्र ने धोनी का भी वीडियो बनाया, उसने बहुत अच्छी बात उसमें लिखी है कि धोनी जी ने भी यही बात बोली है। तो जिंदगी में आपको टाइम टाइम के ऊपर, और उनको तो क्रिकेट में बहुत कम टाइम मिलता है किसी रिस्क को लेने का, आपके हमारे पास तो सब चीजें कैलकुलेटेड रिस्क है। मैंने जब नौकरी छोड़ी ना, मेरे को आज भी याद है, मेरे घर पे लोग आ गए, इसका दिमाग खराब हो गया, गजेटेड अफसर की नौकरी है, और भी ये इतना बड़ा आदमी होता, इस नौकरी के लिए लोग मरते हैं, लाखों रुपए रिश्वत देने को तैयार होते हैं, अगर मैं तो पीछे की सीढ़ी नहीं तोड़ता दोस्तों, तो आज यहाँ होता है? आज हमारे ऊपर पिक्चर बन रही होती, आज हम इतने बड़े सेलिब्रिटी होते? तो समझो दोस्तों, जिंदगी में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो रिस्क लेने से घबराइए मत, अपने अपने के साथ बैठिए, काउंसलिंग करिए, प्रॉपर तरीके से बिजनेस को बनाइए। बड़ी सफलता केवल विश्वास से नहीं, निष्ठा से मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो हमने सिस्टम के अंदर सीखा। इफ यू वॉन्ट टू हैव द ह्यूज सक्सेस, अगर आपको संजय जी जैसी सक्सेस चाहिए, अगर आपको सुरेखा जी जैसी सक्सेस चाहिए, अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो आपको मिलेगी डिवोशन से। सुरेखा जी की सक्सेस डिवोशन का नतीजा है। 25 साल से उन्होंने मोदी केयर के अलावा कुछ सोचा नहीं है, समझ रहे हैं आप? उनके दिमाग में 24 घंटे उठते बैठते सोते जाते मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, ये होता है डिवोशन, समझ रहे हैं आप? ये बिलीव नहीं है, बिलीव से आप शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है आपको, लेकिन डिवोशन से आपको बड़ी सक्सेस मिलती है। डिवोशन का मतलब जानते हैं आप? मीराबाई का नाम सुना है ना आपने? मीराबाई डीओटी ही, उनको कष्ट से कुछ लेना देना नहीं था, और वो कष्ट उठते बैठते सिर्फ तो आज उनको मीराबाई के मंदिर बन गए, है या नहीं है? वो डिवोटेड थे। तो डिवोशन लाइए अपने अंदर, और डिवोशन आस्था से आता है, डिवोशन में आस्था जुड़ी हुई है। आस्था का मतलब होता है स्पिरिचुअल, अंदर से। जब मोदी केयर आपके अंदर घुस जाएगा ना दोस्तों, जब मोदी केयर आपके अंदर घुस जाएगा, जब डिवोटेड हो जाएंगे आप मोदी केयर के लिए, तब आपकी बड़ी सक्सेस मिलना शुरू होगी, तब आपकी बड़ी सक्सेस मिलना शुरू होगी, है ना? और मैं हमेशा तीन चीजें सिखाता हूँ, कंसीव बिलीव एंड अचीव। तो मोदी केयर पहले कंसीव करना पड़ेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है मैं इसके बारे में ज्यादा एलोबरेट करूं, बट मोदी केयर कई लोगों को तो अभी कंसीव भी नहीं हुआ है। संजय भाई जो लोग बिजनेस भी कर रहे हैं ना, उनको भी कंसीव नहीं हुआ है मोदी केयर, अभी तो खेल रहे हैं वो, अभी तो खेल रहे हैं, अभी तो हिंदुस्तान का टॉप अर्नर इस इंडस्ट्री में आया ही नहीं है, अभी तो वो आपके मेरे किसी के भी नेटवर्क में आ सकता है। संजय भाई बिल्कुल बिल्कुल जितना भाई उसके लिए चाहिए डिवोशन,
उसके लिए चाहिए आस्था, उसके लिए चाहिए मोदी केयर पे अकाट्य अकाट्य निष्ठा, जैसे सुरेखा जी की है, इसीलिए वो टॉप अर्नर है। ठीक है, तो डिवोशन से बड़े काम होते हैं दोस्तों। सफलता अनुभूति मात्र है, जो आपकी स्वयं की आदत होनी चाहिए। नोबडी कैन मेजर द सक्सेस फॉर यू। आज मेरी सक्सेस को कौन मेजर कर सकता है? पैसे से मेजर करोगे आप? मेरे से कई सारे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं आज, लेकिन मेरे जितने सक्सेसफुल वो मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि जो पीस ऑफ माइंड मेरे पास है, जो थॉट प्रोसेस मेरे पास है ना, जो लाइफ आज मैं लीड कर रहा हूँ वो लाइफ है बैलेंस लाइफ। और मैं सारे दुनिया को ही सिखाता हूँ तो लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे गाड़ी के चारों टायर एक जैसे होना बहुत जरूरी है, और चारों टायर के अंदर आपका आपका फिजिकल, आपका मेंटल, आपका इमोशनल और आपका स्पिरिचुअल, ये चारों टायर बराबर होने चाहिए, तब आपकी लाइफ बैलेंस होती है दोस्तों। तो सफलता जो है ना, दैट इज जस्ट फीलिंग। अगर आज आप क्राउन लेवल पे अपने आप को सफल मान रहे हैं, इट्स अबाउट योर फीलिंग। आप जब जिस लेवल पे अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे, यू आर सक्सेसफुल, कोई दूसरा थोड़ी मेजर करेगा आपकी सक्सेस को। और ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। जैसे मैं एमबीए करता था, आई बिकम सक्सेसफुल, आई बिकम डायमंड। मैं हमेशा अपने बच्चों को एक बात सिखाता हूँ, करके छोड़ा तो छोड़ा, नहीं तो भगोड़ा। जिंदगी में कोई भी काम करो ना, साला टॉप लेवल पे जाके छोड़ो, अगर छोड़ना चाहिए तो ग्राउंड लेवल में छोड़ो उसे। हमारे कई सारे लोग इधर उधर भागते रहते हैं, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। मैं कहता हूँ करके छोड़ो, पहले टॉप लेवल पे जाओ दमे तो। हमारे को मेरे को कई सारे लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितना दम है। मैं उनको बताता है क्या कहता हूँ, अरे इसमें तो बहुत दम है, तेरे में कितना दम है ये बता, है या नहीं? ये आपके दम का मामला भाई साहब। तो सफलता फीलिंग है, एंड वो आपके अंदर से आती है। अगर वो आपके अंदर से आ रही है दोस्तों मोदी केयर करते हुए, तो आप जरूर से बड़ी सक्सेस की ओर जाएंगे। नवी लर्निंग जो हमने सीखी इस इंडस्ट्री में वो ये है, योग्यता आपको सफलता दिलाती है, लेकिन चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। एबिलिटी जो है ना, वो आपको सफलता दिला सकती है। हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, कई सारे धर्म गुरुओं को आप जानते हैं जिनके अंदर योग्यता थी, और उन्होंने बड़े बड़े लवाज में बना है, बड़े बड़े करोड़ों लोगों ने उनको फॉलो किया, उनको फॉलो करने वाले लोगों की आज भी अथाह गिनती है। एबिलिटी थी लेकिन कैरेक्टर नहीं था, तो आप जेलों में, समझ रहे हैं आप? तो भाई साहब एबिलिटी जो है ना, वो आपको सफलता दिलाती है, लेकिन चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। हमारा कैरेक्टर शुरू से उस लेवल का था कि आज हम कोई भी काम करते हैं ना, अपने आप आगे से लोग आ जाते हैं कि यार हमें भी कराओ, हमें भी कराओ। क्यों? दैट वी हैव बिल्ड। तो बिल्ड योर कैरेक्टर, अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप ग्लास हाउसेस में रह सकें, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपको फॉलो कर सकें। और एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, कभी शौक से भी अपराध मत करना, क्योंकि शौक चला जाता है अपराध रह जाता है। कई बार हम है ना शौक शौक में गलतियां करते हैं, शुरुआत में बिजनेस में आते हैं, इसको तोड़ लिया, उसको तोड़ लिया, डीपी पर आदमी आया, इसको मेरे साथ करा लेता हूँ, ये शौक में करते हैं हम। ये हमारे को पता भी नहीं होता इसकी ग्रेविटी क्या है। एक बात याद रखना दोस्तों, जब इस इंडस्ट्री में आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो आपका किया हुआ कोई भी गलत काम आपका कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, वो आपको बार बार टॉर्चर करेगा। मैंने जिंदगी में एक बार सिगरेट पी थी जब मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मर्चेंट्स के अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए गया था, वो आज भी अपराध बोध मेरे अंदर है यार, मैंने एक बार सिगरेट पी थी, समझ रहे हैं आप? तो शौक से भी कोई अपराध नहीं करना। बिल्ड योर कैरेक्टर, एथिक्स एंड वैल्यूज को फॉलो करिए। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट एथिक्स एंड वैल्यूज, तभी आप बड़े लीडर बनेंगे, तभी आपको सारी दुनिया फॉलो करेगी, तभी आपको लोग लीडर मानेंगे और आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो योग्यता आपको सफलता दिलाती है, चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। बिल्ड योर करेक्टर एवरी डे, रीड द न्यू बुक्स, रोजाना अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के सत्संग में रहिए, अच्छी बातों को सुनिए, पॉजिटिव बोलिए और अपने कैरेक्टर को बिल्ड करिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो भी करो आनंद से करो, और जो शुरू किया उसे पूरा करो। ये मेरा कोटेशन भी है, ये मेरा स्टेटमेंट भी है, ये मेरा इस इंडस्ट्री का स्लोगन भी है। इंजॉय व्हाट यू डू, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जिंदगी में जो भी करो ना दोस्तों, उसको एंजॉय करो, एंजॉय दिस प्रोसेस, बिकॉज एवरीथिंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन।
इट्स अबाउट जर्नी. आपने सुना होगा सक्सेस इज ऑल अबाउट जर्नी, इट्स नॉट अबाउट डेस्टिनेशन. आपने किसी चीज के बारे में सोचा, उसको सोचने से लेकर उसको पाने तक के बीच में एक जर्नी है जो आपने आपने पूरी करनी है. अगर आज मैं कलकत्ता आने के बारे में सोचूं ना, तो मैं सोच तो लूंगा, मेरा टिकट भी हो जाएगा, मेरा फ्लाइट का टिकट भी संजय भाई बुक करा देंगे, मैं आ भी जाऊंगा, मेरा होटल भी बुक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे वो जर्नी जरूर तय करनी पड़ेगी. और अगर मैं उस जर्नी को एंजॉय करने को तैयार नहीं हूं, तो फिर कुछ नहीं होगा. आई हैव टू एंजॉय दैट जर्नी. अब मैं सिर पे बोझा लेके बैठा हो रहे यार, संजय भाई ने सेमिनार रख लिया, अभी एक घंटा बोलना पड़ेगा. एंजॉय दिस जर्नी यार, एंजॉय एवरी मोमेंट. अपनी जिंदगी में जो आप कर रहे हो ना, उसको एंजॉय करो यार. मोदी केयर बिजनेस में जो भी आपको करना पड़ रहा है, एंजॉय, एंजॉय व्हाट यू डू एंड फिनिश व्हाट यू स्टार्ट. जो शुरू किया उसे खत्म करो यार. मैं जब आया था कलकत्ता, मैं संजय भाई को कहकर आया था, संजय भाई एक जीबीडी चाहिए यार कलकत्ता में. एंड संजय भाई ने मेरा मान रखा, उसके अगले महीने मेरे पास खबर आ गई संजय भाई जीबीडी हो गए. चंचल दास से मैं मिला था मोदी केयर ऑफिस के अंदर कलकत्ता ऑफिस में, और मैंने उनको भी यही बात बोली थी. सो आई एम सी, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, एंजॉय व्हाट जॉब. यार ये खाई यही है, एक खाई है. आपने मोदी केयर शुरू किया, जीबीडी जाना, यहां से वहां तक की जो जर्नी है ना, ये एक खाई है. कैसे पार करोगे इसे संजय भाई? एक खाई हो अगर मान लो 200-500 फीट की, और आपको उसको पार करने के लिए बोला जाए, कैसे पार करेगा कोई? भैया बेल्ट बांधो, अपनी सांस रोको, अभी तो मास्क लगाओ, मास्क में 2-4 बूंदे हमारे टी ट्री ऑयल की डालो, उसको वो करते रहो और दौड़ लगाओ इधर से उधर, नमस्ते.